अरे कहाँ जा रहे हो? पिताजी से बात करने हैं। क्यों? उनकी बातें सुनकर अब तक जी नहीं भरा जो फिर जा रहे हो? मैं उसी बारे में बात करने जा रहा हूँ राधा। उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा मुझे बहुत बुरा लगा और मैं नहीं चाहता कि आइंदा वो मेरे साथ ऐसा सलूक करें। धनराज इधर आओ। देखो धनराज, तुम जब तक उन पे मोहताज रहोगे वो तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक करेंगे। जब तक तुम खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, अपने पांव पर खड़े नहीं हो जाते, वो तुम्हें कभी इज्जत नहीं देंगे। देखो, तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए होता है, कोई भी जरूरत होती है, तो तुम हमेशा उनके पास चले जाते हो हाथ फैलाकर। और जिनके हाथ हमेशा फैले होते हैं उन पे तरस खाकर कुछ रख दिया जाता है, उन्हें कभी इज्जत नहीं दी जाती। वो मेरे पिता हैं राधा, क्या उन पर मेरा कोई हक नहीं? उनका भी तो तुम पर हक बनता है ना। क्या वो नहीं चाहते हैं कि उनका लड़का भी दूसरों की तरह कमाए, अपनी तनख्वाह लाकर उनके कदमों में रख दे? वो भी तो लोगों से गर्व से कह सके ना कि उनका लड़का 10-12 हज़ार महीने में कमा लेता है। ये तुम क्या कह रही हो राधा? वही धनराज जो आज तक तुमसे शायद किसी ने नहीं कहा, शायद किसी ने चाहा ही नहीं कि तुम एक आत्मसम्मान वाले इंसान बनो। शायद उन्होंने हमेशा यही चाहा कि उनके हाथों में तुम एक कठपुतली बनकर नाचते रहो। तुम ही सोचो धनराज, अगर आज तुम कमाने खाने वाले होते, एक एक पैसे के लिए उनके मोहताज ना होते, तो क्या उनकी हिम्मत होती तुम्हें इस तरह जलील करने की? हाँ, अब तुम उनसे बातें करने जाओगे तो बेकार में बात और बढ़ेगी, कोई फायदा नहीं है। इससे तो अच्छा है जो हुआ उससे एक सबक सीखो, अपनी जिंदगी का रास्ता ढूंढो। धनराज तुम एक नौकरी कर लो, जितना भी हो सके कमाओ। राधा मैं, कौन देगा मुझे नौकरी? धनराज जिस दिन तुम ये फैसला कर लोगे कि तुम्हें काम करना है, सबसे पहले मैं तुम्हें काम दिलाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। तुम? मैं पिताजी से बात करूंगी, वो भी तो यही चाहेंगे ना कि उनकी बेटी और दामाद खुश रहें, इस नर्क से बाहर निकले। नहीं राधा, मैं इस घर का अकेला वारिस, कहीं नौकरी करूंगा तो लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे? नहीं धनराज, ना तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ना ही तुम्हारे पिताजी की बेइज्जती होगी। तुम बस हिम्मत मत हारो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। धनराज मेरा साथ और तुम्हारी हिम्मत तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा सक्सेसफुल और इज्जतदार आदमी बनाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे मिलने नहीं आओगे, फिर क्यों आए हो यहाँ? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ? फिर क्यों आए हो तुम? सिर्फ देखने। अगर मिलने आया होता तो तुमसे हाय हेलो ना करता। तुम मुझे देखने भी मत आया करो। उससे तो तुम मुझे रोक नहीं सकती। भगवान ने हर खूबसूरत चीज इसीलिए बनाई है कि लोग उसे देखें। मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो पद्मा, तुमने बात की इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा, सिर्फ देख कर चला जाऊंगा। अगर मैंने ये बात अपने भाइयों से कह दी ना तो वो तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर देंगे। वैसे भी तुम्हारी बगैर मेरा बहुत बुरा हाल है, लेकिन तुम उनसे कहोगी क्या? वो मुझे देखता है। देखो पद्मा, मैं हफ्ते में सिर्फ 6 दिन तुम्हें यहां देखने आया करूंगा और संडे को तुम्हारे घर के सामने सिर्फ एक नजर देखकर चला जाऊंगा। अब टाइम बताओ तुम कितने बजे झांका करोगी? I'm fed up of you. पद्मा तू एक काम कर, अपने भाइयों से शिकायत कर दे इसकी। अगर सीधी तरह से नहीं माना ना तो यही करना पड़ेगा।